Hello students, let's continue with next topic, that is types of disease. So on the basis of duration, it is of two types, acute disease and chronic disease, on the basis of duration. Acute and chronic disease. First, we will discuss acute. So, acute disease is actually a short period, short duration of time. ये short time के लिए होता है. Example is common cold, cough. ये short duration की रहता है और फिर ठीक हो जाता है. Okay? Diarrhea हुआ, typhoid हुआ. तो इन सब का जो ड्यूरेशन है शॉर्ट होता है. एंड क्रॉनिक, क्रॉनिक क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए. लॉन्ग ड्यूरेशन का जैसे हाइपरटेंशन, ये तो लॉन्ग ड्यूरेशन का रहता है. पोलियो, दिस यू हैव सीन क्रॉनिक, मतलब पोलियो ये भी लॉन्ग ड्यूरेशन का रहता है. टीबी लॉन्ग ड्यूरेशन, डायबिटीज वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं, लॉन्ग ड्यूरेशन है. तो टीबी, पोलियो एंड हाइपरटेंशन, डायबिटीज, दिस इज क्रॉनिक एंड एक्यूट इज कॉमन कोल्ड, टाइफाइड, डायरिया. अंडरस्टूड? सो एक्यूट डिजीज द डिजीज विच एंड फॉर ए short duration of time. Example, common cold and cough. Diarrhea. Student, always whenever anything is asked, so always give definition and example. Example always give. Okay. Chronic disease, long duration. The disease which occur long duration. Okay, यहाँ short duration रखो, यहाँ long duration. Example is diabetes, hypertension, polio, myelitis, etc. Okay, next. On the basis of occurrence of disease,
on the basis of occurrence of disease. It is of two types. Congenital and acquired. Congenital so congenital disease by birth, ठीक है, जो birth से ही disease है, the disease which are present in a person by birth, जो बाय बर्थ है उसको हम लोग कंजेनिशल कह देंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल कलर ब्लाइंडनेस, दिस यू हैव हर्ड, एंड सिकल सेल एनीमिया, दिस ऑल आर बाय बर्थ कंजेनिशल. हाउ इट कॉजेस, इट इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन एम्ब्रियो. एम्ब्रियो में एम्ब्रियो डेवलपमेंट कोई डिफेक्ट हो जाए, और ड्यू टू डिफेक्टिव इनहेरिटेंस. ओके, यू कैन से मतलब क्रोमोसोम्स इन हाई क्लास यू विल स्टडी चेंज इन द स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ओके, डिजीज विच आर प्रेजेंट in a person by birth. Example is sickle cell anemia. Sickle cell anemia, the shape of RBC changes into sickle shape. Okay, ऐसे वो oval shape होता है, वो sickle shape में हो जाएगा. Sickle shape like this. And color blindness. Color blindness, this you know. How it causes? It occur due to chromosomal mutation. क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके में चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं, वेदर इट इज इन स्ट्रक्चर और नंबर. मेंशन दिस ड्यू टू क्रोमोसोम म्यूटेशन. एक्वायर्ड, ये हम लोग एक्वायर्ड करते मींस आफ्टर बर्थ, बर्थ होने के बाद. विच डेवलप इन एन इंडिविजुअल आफ्टर बर्थ. एक्वायर्ड कर रहे मीन्स बर्थ होने के बाद हमको वो डिजीज हुई, बर्थ से नहीं था, इनबॉर्न नहीं था, ठीक है, बर्थ होने के बाद वो डिजीज, और वो तो बहुत सी डिजीज होती है, ठीक है, लाइक यू कैन से हार्मोनल प्रॉब्लम, डायबिटीज, डायबिटीज इज एक्वायर्ड डिजीज, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, टीबी and coronavirus, okay, ringworm, they all are acquired disease, typhoid, common cold, diarrhea, hypertension, so these occur after birth. So how it causes? Example, there are lots of examples. You can write by your own. Okay. Third,
कम्युनिकेबल डिजीज, और इन्फेक्शियस। कम्युनिकेबल मीन्स इन्फेक्शियस डिजीज, ओके, विच इज कम्युनिकेबल, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर हो रहा है कम्युनिकेबल। एंड इन्फेक्शियस डिजीज विच आर कॉज ड्यू टू माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो जाते हैं में, जैसे वायरस हुआ, बैक्टीरिया और कोरोना वायरस, यू हैव हर्ड, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। टीबी भी हो जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में हो जाना कम्युनिकेबल डिजीज, और में इन्फेक्शन में मतलब जो पर्सन इन्फेक्टेड है वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर स्प्रेड हो जाएगा। कैसे होगा ये स्प्रेड? एयर, फूड, वाटर, फिजिकल कॉन्टैक्ट और थ्रू मॉस्किटोज ऑल्सो। इट इज कॉज्ड ड्यू टू अटैक ऑफ माइक्रोब्स, एग्जाम्पल वायरस, बैक्टीरिया, ओके। दिस डिजीज is spread from an infected person to healthy person through कैसे? air, food, वाटर, फिजिकल कॉन्टैक्ट मीन्स टच एट्सेट्रा, ओके। एग्जाम्पल दिस मलेरिया एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल, इट अकर्स ड्यू टू इंटरनल कॉजेस, ओके। इट अकर ड्यू टू इंटरनल कॉजेस विद इन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इन दिस में क्या रहता है, ऐसा नहीं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो जाए, इसमें कुछ हमारे बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो उससे हो सकता है, जैसे कि हॉर्मोनल प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। अब जैसे डायबिटीज हुआ, इंसुलिन फेल हो गया, वही नहीं सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। सो और कह दो पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। और क्या हो सकता है, हाइपर सिक्रीशन और कम सिक्रीशन हो रहा हॉर्मोन्स के, सो देर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। एग्जाम्पल सेंसिटिविटी ऑफ स्किन टू पॉल्यूशन, इट इज टी स्टूडेंट, सेंसिटिविटी ऑफ स्किन, पॉल्यूशन से लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है स्किन में, एंड एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स हॉर्मोन लीड्स टू डायबिटीज। डायबिटीज क्यों होती है? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन फेल हो जाता है, सीक्रेशन उसका फेल हो जाएगा, ठीक है।
etcetera. So students, these are various types of disease. Okay.